सबकी सबसे पहली जो शिक्षक होती है वो माँ होती है, इसलिए माँ का शिक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई शिक्षित माँ है तो वो कभी भी अपने बच्चे को शिक्षा से दूर नहीं करेगी। मेरा ये हरगिज कहना नहीं है कि जिसकी माँ अशिक्षित है उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं होगा। मेरी माँ आज भी अनपढ़ है, आज भी उससे एक रोटी मांगते हैं ना तो वो दो रोटी दे देती है। दुनिया की सबसे अच्छा अलार्म जो होता है वो माँ होती है। आप कहिएगा सुबह 7 बजे उठाने के लिए, वो आपको 6 बजे ही उठा देगी और कहेगी बेटा 8 बज गया। आपको इस दुनिया में आपको सबसे बेहतरीन ढंग से जानती है कोई तो आपकी माँ, वो और दुनिया से आपको 9 महीने पहले से जान रही होती है। कहा जाता है कि मेरे नसीब में एक भी गम ना होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। माँ बचपन से पाल के बड़ी होती है। आइए यही ना है छोटका, बड़ा होकर क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब, इतना उम्र पर छोड़ दी रहती माई ना तो कुत्ता नोच के खा गया रहता, बड़ा होकर कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। कभी भी माँ बाप से आप ऊंचे आवाज में बात नहीं कीजिएगा, वरना आपको शिक्षित कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और बाप जो होता है ना वो बड़ा खुददार इंसान होता है, कभी बोल नहीं पाता है। माँ तो बोल भी देती है ना, बाप बोल नहीं पाता है। जेब खाली रहने के बावजूद मैंने बाप को कभी ना कहते नहीं देखा, इस दुनिया में बाप से रईस इंसान मैंने नहीं देखा। लेकिन इन दोनों को कहते हैं कि आप अपने बच्चे को जी जान से प्यार कीजिए, उसे सोने का निवाला खिलाइए, लेकिन उस पर नज़र रखिए दुश्मन की तरह क्या कर रहा है, वरना एक दिन बिगड़ जाएगा। माँ बाप भी लड़कियों को भेजते हैं हॉस्टल में भेजने पढ़ने के लिए, हॉस्टल जाती है बबनी पढ़ने के लिए, हाथ में घड़ी नहीं, और उधर से जब आती है छुट्टी पे तो 3000 का सोनाटा का घड़ी पहन के। मम्मी पूछती बबनी घड़ी कहाँ से, तो मेरी सहेली गिफ्ट दी है बर्थडे पे। आपको पता चल रहा है उस सहेली गिफ्ट दे रही है, इतना सहेली का गिफ्ट आ रहा है वहाँ पे। आप नज़र रखिएगा वरना एक दिन आप ही पछताएंगे। पिता को भी हम ये कहना चाहते हैं कि आपके दिए पैसे से ही आपका लड़का बिगड़ता है। अगर उसे ज़रूरत 8000 की है, आप उसे 15000 देंगे तो जेन्युइन है, एक दिन वो आपका नाम खराब करेगा। पैसा ही इंसान को ज़्यादा बिगाड़ता है। उसको लिमिटेड दीजिए जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे एक्सेस दे दीजिएगा तो वो फिर बिगड़ेगा। और माँ अगर बेटियों पे ज़्यादा नज़र नहीं रखेगी तो फिर वो भी बिगड़ेगा। नज़र रखिए जब तक वो कामयाब नहीं हो जाता है। जब कामयाब हो जाएंगे तो उनके अंदर खुद समझ में आ जाएगी कि क्या मेरे लिए सही है और क्या गलत है।